ये है कैलाश की चढ़ाई और हमारा टारगेट कुछ वहाँ हो सकता है पहुँचने का। यहाँ पर ये आते हुए काफ़ी मेहनत हो गई चढ़ते हुए, ये आ रहे हैं हम नरवर का कैलाश इसको बोलते हैं। ये किला है यहाँ पर जो सामने दिखाई दे रहा है आपको, और जो मैंने अभी आपको बताया था वो था नरवर का किला। यहाँ पर इन लोगों ने कुछ बस्ती भी बना रखी है और ये हैं हमारे गाइड, मेरे भैया हैं ये। तो चलिए हम चलते हैं। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. महाराज लोग भगवान की सेवा करते हुए और ये हम चढ़ रहे हैं। काफ़ी अच्छी खासी चढ़ाई है ऊपर चढ़ने के लिए, बड़ा ही ध्यान से आपको चलना पड़ेगा। यहाँ पर बहुत सारे देवता भी उपस्थित होते हैं। अब देखिए ये बहुत ऊंची चढ़ाई मैंने कर ली है और ये कितना छोटा दिखाई दे रहा है। क्या नाम है आपका? नहीं बोल सकते अनफॉर्चुनेटली। अब यहाँ पर ये फेंसिंग कर दी गई है कि कोई जानवर ना जा पाए, तो उसमें ये जाके बताएंगे कैसे जाएंगे। साथ ये डॉगी भी हमें मिल गया राह दिखाने वाला, जो हमारी मदद करेगा आने वाले खतरों से। ये है हमारा डॉगी टॉमी और ये देखिए क्या खूबसूरत ब्यूटीफुल नज़ारा है। मेरी सांस थोड़ी चढ़ने लगी है, अभी हमें काफ़ी ऊपर जाना है। इसलिए भाई बोलते हैं ना, भगवान को यदि आपको पाना है तो जाके ही आप कर सकते हैं भगवान को प्राप्त। काफ़ी अच्छा तो लग रहा है ऊपर जाने में, क्योंकि सफलता प्राप्त करने के लिए आपको लगातार मेहनत करने की आवश्यकता। ये देखिए कितनी ऊँचाई है ये। यहाँ पर हमारे भाई हैं ये, जो कि यहीं नरवर में रहते हैं और इस बार ये भी SSC का एग्ज़ाम देंगे और प्रिपरेशन करेंगे 12th। अभी पास आउट हुए हैं और ये साथ हमारे डॉगी ने, डॉगी आ जाओ भाई। तो ये डॉगी जो भी रागी रहा था उनके साथ ये चल देता है। आगे चलते हैं। ये देखिए जानवर से वफादार होना सीखी है ये, हमको जानता भी नहीं है तब भी हमारे साथ इतने ऊंचे राय पर ये चल चुका है। बहुत ही मिलनसार और प्रेमी डॉगी। टॉमी टॉमी खाने के लिए दिला देते हैं। हाँ यार, इसको कुछ खाने के लिए हमें दिलाना पड़ेगा। देखिए हमें रास्ता बताते हुआ जा रहा है और आगे चलता जा रहा है। हाय डॉगी, डॉगी डॉगी बहुत अच्छा है, क्वालिटी का है बेचारा, बहुत अच्छा है, शांत है बिल्कुल। ये देखिए ये हमारा डॉगी, ये भगवान के रूप में आ गया है हमें सहायता देने के लिए, जिससे हम बोर ना हो। हर किसी के पास ये आ जाता है, देखिए बहुत ही अच्छा। देखो साथ में आ गया ये सेल्फी लेने के लिए हमारे साथ। ये देखिए बहुत अच्छा है ये, बहुत अच्छा। और अभी भी हम अपने डॉगी के साथ, इसके साथ हम चलते जा रहे हैं ऊपर, ये हमें ले जा रहा है। और जब भी आप किसी भले काम के लिए जाएंगे, आप मेहनत करेंगे, तो कोई ना कोई साथ ही आपको ज़रूर मिलेगा आपकी राह में। ये फैक्ट बात है कि हर सफलता के पीछे कोई ना कोई इंसान होता है। जैसे ये डॉगी हमें मोटिवेट कर रहा है, अपने आप ही आ गया था साथ में। देखिए पसीने के बाद जो सुकून मिलेगा वो दिल को छू लेने वाला होगा। चलें आप यदि मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। आप देखिए जरा हम कितनी ऊंचाई पर आ चुके हैं, जूम करो चढ़ते हुए। तो आप बताइए रोहित जी, रोहित आप बताइए
कि आप यहाँ पर कितनी बार, कौन सी बार आप आ रहे हैं यहाँ पर? तकरीबन लगभग 15 या 16 बार आ रहा हूँ मैं यहाँ पर। अच्छा, ऊपर जाके हमें क्या मिलेगा? ये हजीरा तो हमें दिखाई दे रहा है, हमें यहाँ पे एक कुंड मिलेगा जो बहुत पहले एक अच्छा कुंड हुआ करता था। अच्छा यार, हाथ देना जरा, हाथ देना, थैंक यू। चलिए चलते हैं हम। देखिए ये कितना पथरीला रास्ता है, बहुत ही प्राचीन समय के ये पत्थर है। अभी चढ़ाई और ज़्यादा है और मैं यहाँ पर थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। अद्भुत दृश्य, ये देखिए कितना ऊंचा है, नरवर साफ दिखाई देता है यहाँ से, बिल्कुल अपोजिट है किला और ये कैलाश। ठीक है, किसी दिन किले पर जाकर आपको एपिक बताऊंगा इसका। ओके, तो ये रही मंजिल, थोड़ा आराम भी करना ज़रूरी है। ये जो टॉमी है इसका नाम मैंने गोल्डू रख दिया है यहाँ पर। गोल्डू बहुत होनहार है, किसी भी मंजिल को पाने के लिए परमात्मा का स्मरण करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत एक्सपीरियंस किया है। चलिए चलते हैं, रात थोड़ी और है अभी, पथरीली रास्तों से ऐसी फीलिंग आ रही है मैं मैन वर्सेस वाइल्ड का शूट करने के लिए यहाँ पर। पसीने से एकदम तर हो चुका हूँ, वैसे मुझे आज लाइव आना था इसलिए ये मैंने सोचा आपको बताऊँ कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, चाहे फिजिकल हो या फिर मेंटल हो। ठीक है, चलते हैं, पहुंचते हैं आगे धीरे धीरे, है ना। ओफो, ये देखिए कितनी पथरीली है ये रोड। यदि यहाँ पर मैंने थोड़ी सी भी गलती की ना तो मैं फेल, सीधा नीचे गिरूंगा, फिर मुझे कोई उठाने वाला भी नहीं मिलेगा। देखिए कितनी सकरी रास्ता है, ये वीडियो में शायद ना दिख रहा हो लेकिन बहुत ही ज़्यादा रेतीली है और बारिश हुई है यहाँ पर, थोड़ी स्लिपरी हो चुकी है, लेकिन हमारे टॉमी को उससे क्या, टॉमी तो पहुँच गया बहुत आगे, उसको जहाँ पर जाना था। देखिए वो चल रहा है बेहतरीन मस्त, जो रास्ता है हमारा टॉमी वो आ गया, टॉमी साथ में चल आ जा। काफ़ी ही उबड़ खाबड़ छोड़ चाहिए यहाँ पर। मेरे भाई को तो प्रैक्टिस है यहाँ पर, वो रहते तो कई बार आ चुके हैं यहाँ पर, लेकिन मुझे नहीं है। और ये टॉमी तो भाई, इसकी तो बात ही मत करो, कितनी शक्ति है भाई तेरे में, गाय भी आ गई। अरे आ गए आ गए आ गए आ गए, हाथ पे लाओ, आ गए आ गए आ गए अपनी कुंड पे आ गए। ये देखिए जिस कुंड की मैं बात कर रहा था वह यही कुंड है। और ये हम आ गए अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पर। ये मंदिर का साइन यहाँ पर है और ये कुंड है, इसका बहुत ही प्राचीनतम महत्व रहा है। ऐसा कहा जाता है कि राजा नल की जो रानी थी उन्होंने उस किले से लेकर यहाँ तक एक रोप बनवा रखी थी, एक लिफ्ट टाइप का कुछ था, तो उन्हें पूजा करनी थी तो डायरेक्ट वो किले से यहाँ पर वो पूजा करने के लिए आती थी। अब तो कोई इसको देखता नहीं है और जो टूरिस्ट डिपार्टमेंट है वो इसी प्रकार का है। इसके ऊपर प्राचीनतम ऊपर है ये पुराना मंदिर, लेकिन किसी वजह से रास्ता ब्लॉक कर दिया है इन्होंने, पता नहीं क्यों कर दिया है। तो ये आ गए थे, आगे आइए, ये हमारा फाइनल डेस्टिनेशन, ये है वो मंदिर जो रोड से हमें दिखाई देता है। ये है मोमडम तो हजीरा, और एक हजीरा यहाँ पर जो ये बता रहे हैं, इधर दिखाइए मुझे दिखा। तो देखिए ये जगह पर आने के बाद इतना अच्छा फील हो रहा है कि आप कुछ नहीं पूछ सकते। ये किला अपना देखो, किला जुड़ा हुआ है, किला आपको दिखाई दे रहा है, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है कि मेहनत हमारी रंग लाई।
चलिए मिलता हूँ आपसे अगले ब्लॉग के साथ, कोशिश करूंगा कि नरवर के किले का आपको ब्लॉग मिला के दूँ।